नमस्कार, मैं हूँ संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज़ के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुके सातिर अपराधी 25,000 के इनामी राजमंगल यादव की बुधवार की रात मैनाजपुर व देवगांव थाने की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों तरफ से हुई फायरिंग में राजमंगल यादव गोली लगने से घायल हो गया। उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने राजमंगल यादव के पास से 9 mm पिस्टल व कारतूस बरामद किया है। बुधवार की रात करीब 9:30 बजे ओहनी बाजार के पास थाना प्रभारी मैनाजपुर रत्नेश सिंह और कोतवाली प्रभारी देवगांव संजय सिंह हमराइयों के साथ पहुंचे थे। दोनों के बीच क्षेत्र में अपराध नियंत्रण पर चर्चा चल रही थी कि तभी मुखबिर ने सूचना दी कि एक बदमाश जो करीब महीने भर पहले पलना में हुई लूट की वारदात में सम्मिलित था क्षेत्र में नजर आया है। वह मैनाजपुर की तरफ किसी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। इसके बाद दोनों थानों की पुलिस सक्रिय हुई और चक भटौली तिराहे के पास घेरेबंदी शुरू कर दी। चक भटौली तिराहे पर थाना प्रभारी मैनाजपुर व कुछ आगे देगांव कोतवाली प्रभारी ने फोर्स के साथ मोर्चा संभाला। तभी एक व्यक्ति काले रंग की सुपर स्प्लेंडर बाइक से नजर आया। मुखबिर के इशारे पर पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह रोकने के बजाय फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई शुरू की गई। फायरिंग के दौरान एक गोली बदमाश के पैर में लगी और वह गिर पड़ा। इसके बाद पुलिस ने उसे घेर कर पकड़ लिया। पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम राजमंगल यादव पुत्र प्रहलाद यादव निवासी विजयपुर थाना मेनगर बताया। घायल बदमाश को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज भेजा गया जहां उसका उपचार चल रहा है। पुलिस ने बदमाश के पास से 9 mm पिस्टल कारतूस और बाइक बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि राजमंगल यादव जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल है। इसके ऊपर 25,000 का इनाम घोषित है। विभिन्न थानों में इसके खिलाफ 20 से अधिक संगीन अपराध दर्ज हैं। एक माह पूर्व उसने पलना में लूट की घटना को अंजाम दिया था। आज चेकिंग के दौरान लगभग 10 बजे के लगभग कुछ समय पहले थाना देवगांव पुलिस और थाना मैनाजपुर पुलिस जब चेकिंग कर रही थी तो वहां पर एक शातिर बदमाश जिसका नाम राजमंगल यादव है और जो थाना मेनगर का टॉप 10 बदमाश है, 25,000 का इनामी भी है, उससे पुलिस मुठभेड़ हुई। बदमाश इसमें राजमंगल घायल हुआ है। उसके पास से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जो कि बिना नंबर की है वो बरामद हुई है। एक 9 mm पिस्टल और कारतूस बरामद हुए हैं। ये बहुत ही शातिर बदमाश है जिस पर लगभग 1.5 दर्जन के लगभग लूट और अन्य संगीन धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं। घायल अभियुक्त को अस्पताल भेजा गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।